गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों के 7:30 मैं लगा के बाहर मशीन कपड़े धोने के लिए, फिर मैं नहाऊंगी। यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया है। पापा यहाँ है। क्या चाहिए? पापा यहाँ है। तो ये उठ गया है, अब फटाफट मैं पहले कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ लगा के मेरी मशीन। तो अभी बजने वाले हैं 8, 8 बजने वाले हैं। 8 में 10 मिनट बच रखे हैं। नहा धो के मैं एकदम रेडी हूँ, आप देख सकते हैं। अभी बाल गीले हैं तो नहा लिया है। मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपनी लेमन टी, और मेरा बेटा खा रहा है ओट्स। हेलो बेबू, इसके जो अभी नखरे रहते हैं कसम से। और कपड़े अभी धोए नहीं है, मतलब धुल रहे हैं। ज़्यादा कपड़े थे यार, चादर वगैरह 3-4 तो चादर ही थी, तो ज़्यादा कपड़े थे तो अभी धुले नहीं है, धुल रहे हैं आराम से अपने। मैंने कहा तब मैं चाय पी लेती हूँ, और मेरी सिस्टर नहाने के लिए गई है। फिर देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं, मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं, और मुझे 8:30 हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके अपन टीवी देख रहे हैं। और ये देखिए बाहर कपड़े, तो ये सब इतने सारे कपड़े थे। अभी उधर के उधर भी हैं, उधर मैंने दिखाया नहीं आपको, इतने सारे कपड़े थे यार। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये कर रहे ऑफिस का काम। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं कहीं पे भी कैमरा लेके जाओ यार, दूध देने जाओ। अभी जाएंगे दूध देने के लिए, इसलिए इनको दिखा रही थी मैं। पहले तो आप काम करते रहो, कौन दिखा रहा था आपको, जाओ दूध देने। तो मैं बना रही हूँ बच्चे के लिए दाल अभी। तो अभी मैंने थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई है, उसकी जो है आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ जाके देखना ज़रूर। और यहाँ पे कर रहे हैं अपना काम, बोरिंग रोज की तरह। अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे कमरे में हैं। फिर उसके बाद हो जाता है दिन के खाने का टाइम, लेकिन उससे पहले अभी घर पे मैंने वो ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए बुलाया है। क्या बोलते मैंने तो? क्या बोलते हैं, टेस्ट करने के लिए आते हैं, टेस्ट करने के लिए बुलाया है। तो मेरी सिस्टर का जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो 3-4 टेस्ट है वो करेगा, वो अभी आके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है मन्नू का टेस्ट। मनु डर लग रही है भैया, कितनी देर में आएगी रिपोर्ट? शाम को। अरे यार फैन चला, सॉरी भैया। कोई नहीं, ज़्यादा देर मत करना, ठीक है।
रिपोर्ट को कोई एक्सप्लेन करेगा? हम वो आए और हम फैन चलाना ही भूल गए। क्या क्या बोल रहे? हाँ तो फटाफट कूड़े वाला भी आ गया है, कूड़ा देते हैं फटाफट। कूड़ा 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 कुकु नहीं करते बेटा। मनु बेचारा परेशान रहता है। बस मनु का हो लगाओ, लगाओ इसको भी, लगाओ इसको भी, इसका भी। नो और डांटेंगे फिर देखना। तो ये अंदर बोर हो रहा था इसलिए बाहर लेके आई हूँ। बहन दिखा दो, डॉक्टर से पूछा मैं बाहर जा सकते हैं? डॉक्टर ने बोला आप ले जा सकते हो। बलून चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ से इसने ये खरीदा है बलून। क्या करूँ, मजबूरी है खरीद देगी ये। बेटा ये हाथ नीचे कर लो बेटा, दर्द हो रही है सारा, मानता भी तो नहीं है। हाय करते हो मामा। तो आज हॉस्पिटल में जो है हमारा दूसरा दिन है, आज भी इन्होंने बोला है कि हम डिस्चार्ज आज नहीं करेंगे इनको, क्योंकि अभी अभी दो दिन पहले अल्ट्रासाउंड हुआ है और जिसकी अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है। देखते क्या होता। वैसे बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो है कि ब्लड में इन्फेक्शन बता रहे हैं और यूरिन में इन्फेक्शन बता रहे हैं, इसके वजह से ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है। अभी वो कैसे बाहर गया पापा के साथ, क्योंकि वो अंदर बिल्कुल नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि वो देखो पीछे आ गया है। कुकी कुकी बच्चू अब चल गए। रोजा हाथ खाना सब कुछ लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इधर मुझे अभी ये लोग बाहर से आ रहे हैं, इसका अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और आज दूसरा दिन है। आई होप कि कल वो डिस्चार्ज कर दें यहाँ से,